आईआईटी जेई 2000 का क्वेश्चन है यहां पर। एन ऑब्जेक्ट ए इज कैप्ट फिक्स्ड ऑन एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर एंड वाई इज इक्वल टू 1.25 मीटर ऑन अ प्लैंक पी रेज्ड अबव द ग्राउंड। यानी यह हाइट है 1.25 और यह डिस्टेंस है 3.0 मीटर। दिस इज द प्लैंक, दिस इज ऑब्जेक्ट। एट द टाइम टी इज इक्वल टू 0 द प्लैंक स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन विद एन एसेलेरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्लैंक एसेलेरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है एट टी इज इक्वल टू 0। एट द सेम इंस्टेंट स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी यू एज शोन। वेलोसिटी यू एज शोन, यू इज अ वेक्टर, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नहीं दी हुई है, हमें फाइंड करना हो सकती है। अ स्टेशनरी पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व द स्टोन हिटिंग द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कहीं दूर जाने के बाद यह इसे हिट करता है। जब हिट करता है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यह पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा होगा। ऑल द मोशंस आर इन एक्स वाई प्लेन, फाइंड यू वेक्टर एंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट, टेक जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट टाइम इज टी, आफ्टर टाइम टी इट हिट्स द ऑब्जेक्ट। लेट टाइम, लेट टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ द मोशन। जब भी ऑब्जेक्ट को हिट करेगा यह पार्टिकल किस हाइट पर होगा, यह यहां कहीं पर होगा और यह हाइट होगी 1.25 मीटर। यानी इसके लिए y क्या होगा, y जो होगा वो होगा 1.25 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है y u साइन थीटा। अगर यह थीटा है तो यह हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, या वर्टिकल कंपोनेंट तो 1.25 हो गया, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हम देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, जो कि होगा 3 प्लस 3 यानी यह डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस मूव बाय द प्लैंक, वो होगा हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए एटी इज 1.5 टी स्क्वायर, तो यह कितना हो जाएगा आप देखिए, वह होगा 0.75। यहां से यू साइन थीटा टी की वैल्यू लिख सकते हैं हम, यू साइन थीटा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.25 प्लस 5 टी स्क्वायर। यहां से यू कॉस थीटा टी की वैल्यू क्या होगी, देखिए यू कॉस थीटा टी की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 0.75 टी स्क्वायर। इनको स्क्वायर करके ऐड किया जा सकता है, लेकिन यहां टी फिर भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। स्क्वायर करके ऐड करके हम थीटा तो एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन टी और यू में फिर से इक्वेशन रह जाएगी, इसलिए हम एक काम करते हैं, अब हम जो क्वेश्चन में दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई है इसका यूज करते हैं, और वह है 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल होगा। यानी वहां पर पार्टिकल का वी एक्स और वी वाई इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि 45 डिग्री पर अगर है तो वह इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। वी एक्स तो होगा u cos थीटा और वी वाई क्या होगा, वी वाई होगा जी टी माइनस यू साइन थीटा। न्यूमेरिकल वैल्यू ली जा रही है यहां पर, जी टी ज्यादा होगा क्योंकि जब पार्टिकल डाउनवर्ड मोशन में होगा तो जी टी ग्रेटर होगा माइनस यू साइन थीटा स्मॉलर पार्ट होगा, इसलिए जी टी माइनस यू साइन थीटा लिया जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में यदि आप लेते हैं तो यू साइन थीटा माइनस जी टी होगा, और पार्टिकल डायरेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव होगी, इसलिए हम इसकी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेना चाहते हैं तो इसको रिवर्स कर देते हैं। जी टी माइनस यू साइन थीटा होगा और यह होगा वी एक्स, यह होगा वी वाई, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहां पर, वी वाई का मैग्नीट्यूड यानी जी टी माइनस यू साइन थीटा यानी इसका मैग्नीट्यूड, तो इसलिए जी टी माइनस यू साइन थीटा लिया गया है। यह फैक्टर आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी। यदि इसे हम फिर से राइट साइड में लिखते हैं यू साइन थीटा, टी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, यू कॉस थीटा टी से मल्टीप्लाई करते हैं और यह हो जाएगा जी टी स्क्वायर, दैट इज 10 टी स्क्वायर।
अब यह देखिए और यह दोनों टर्म देखिए, यदि इसमें से हम इसे सब्ट्रैक्ट कर दें या इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल लिख दें तो देखिए क्या होगा, 10t² यानी यह पार्ट हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी 4.25 प्लस 5.75t² सब्ट्रैक्ट करें तो यह हो जाएगा 4.25t². देखिए 10 माइनस 5.75 ये हो जाएगा 4.25t² और ये होगा 4.25 के इक्वल, यहां से 4.25 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा t² = 1, दैट मीन्स t = 1। सेकेंड, आफ्टर व्हाट टाइम स्टोन हिट्स द ऑब्जेक्ट, यह हमें फाइंड कर लिया है, 1 सेकेंड। अब यदि हमें u वेक्टर फाइंड करना है तो u वेक्टर तो होगा ux i प्लस uy j, ux यानी u cos थीटा, t1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहां पर तो ux दैट इज u cos थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और t1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये होगा 3.75, और इसी तरह से यहां 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो uy यानी u sin थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 5 + 1 6.25 मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट देयर, सो दिस इज द यू वेर यू एक्स एंड यू आई आर ऑलरेडी फाउंड। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IDG 2002 की यह प्रॉब्लम देखते हैं हम। ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस अज्यूम टू बी इन एक्स वाई प्लेन, अ स्मॉल ट्रॉली ए इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, स्मॉल ट्रॉली पैरेलल टू वाई एक्सिस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी √3 - 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट व्हेन द लाइन ओ ए मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ओ ए मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अ बॉल इज थ्रोन अलोंग द सर्फेस फ्रॉम द ओरिजिन ओ, सर्फेस के अलोंग बॉल थ्रो की जाती है ओरिजिन से, इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाइ विद द एक्स एक्सिस एंड इट हिट्स द ट्रॉली, दिस वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाइ, दिस इज वी मेकिंग एन एंगल फाइ विद द एक्स एक्सिस एंड इट हिट्स द ट्रॉली गोइंग इन द वाई डायरेक्शन। यहां पर यह सब कुछ एक प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में है और ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है यहां पर। अब हम देखते हैं, द मोशन ऑफ अ बॉल इज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम ऑफ द ट्रॉली, कैलकुलेट द एंगल थीटा मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल विद द एक्स एक्सिस इन दिस फ्रेम। वेलोसिटी वेक्टर क्या एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, अगर हम ट्रॉली की रेफरेंस फ्रेम में देखें अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, या यू कहे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। तो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सीधी सी बात है रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अगर इससे कोलाइड होती है हिट करता है और कांस्टेंट एसेलेरेशन है, लेकिन यहां एसेलेरेशन भी नहीं है, यहां तो केवल वेलोसिटीज है और वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह है कि रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन रिलेटिव पोजीशन के डायरेक्शन में होगी और रिलेटिव पोजीशन जो है 45 डिग्री का एंगल बना रही है। इसलिए पहले क्वेश्चन का जवाब तो हमारी थ्योरी में ही छिपा हुआ है जो हमने थ्योरी में पढ़ा है, थीटा इज 45 डिग्री इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर है थीटा इज 45 डिग्री, रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर रिलेटिव पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है अगर इनको कोलाइड करना है तो, और यह एसेलेरेशन कांस्टेंट होने की केस में होता है और यह एसेलेरेशन कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस इफ फाई इज इक्वल टू 4θ/3, फाई 4θ/3 है तो बॉल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस देखना है, फाई अगर 4θ/3 है, थीटा 45 है तो यह हो जाएगा 60 डिग्री, फाई इज 60 डिग्री, स्पीड ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस, बॉल की स्पीड वी फाइंड करना है हमको, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं हम